हेलो फूडीज, वेलकम टू हैप्पी किचन। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्वीट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है इंस्टेंट गुलाब जामुन। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम मिक्सी जार में 6 स्लाइस लेंगे वाइट ब्रेड के। उसको टुकड़ों में करके हम पीस लेंगे, अच्छी तरीके से फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हम चाशनी रेडी करते हैं। उसके लिए हम एक पॉट में 1 कप जितनी चीनी, उसमें हम 1 कप जितना पानी डालेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। इसमें मैंने थोड़े से केसर के दाने डाले हैं और इलायची डाली है, जस्ट टू गिव अ फ्लेवर, बट ये ऑप्शनल है। ये डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हमें इसको स्ट्रिंग्स वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी चिपचिपी हो उतना आपको इसको उबालना है। देखिए, ये मैंने ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए हैं। अब हम ये ब्रेड क्रम्स है उसमें 2 चम्मच जितना मिल्क पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच जितनी क्रीम डालेंगे। मैंने यहाँ पे घर की मलाई यूज करी है। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही इंस्टेंट एंड बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके अच्छे से इसको आटा जैसा गून लेंगे। इसका आटा हमें मीडियम सॉफ्ट रखना है। अब हम इसमें से छोटे छोटे पोर्शंस लेके अच्छी तरीके से क्रैक फ्री बॉल्स बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम सभी आटे के अच्छी तरीके से मल के छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेते हैं। अब हम जो भी बॉल्स रेडी किए थे उसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे टिल गोल्डन ब्राउन। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और फास्ट गैस बिल्कुल भी ना करें। हल्के ब्राउन होने लगेंगे थोड़े टाइम में ही। बीच बीच में थोड़ा सा बॉल्स को चलाते रहें। देखिए लाइट ब्राउन कलर के हो रहे हैं हमारे बॉल्स। देखिए बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको एक डिश में निकाल लेते हैं और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। 10 से 15 मिनट ऐसे ही ठंडे होने दीजिए। अब हम जो रेडी किया हुआ जो सिरप है, जो चाशनी हमने रेडी की है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इसके अंदर हम गुलाब जामुन जो रेडी किए थे उसको हम इसको अच्छी तरीके से डिप कर लेंगे। अब हम पॉट को ढक के इसको करीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे ऐसे ही, ताकि जितना भी सिरप है वो हर एक बोल में अच्छी तरीके से सोक हो जाए। देखिए है ना मजेदार रेसिपी, कितना इजी है बनाना। अगर आपको मेरी
रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल हैप्पी किचन फॉर मच मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज. थैंक यू.